कई तरह के ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। एक तो ऑपरेशन है कि लोगों का ध्यान चीज़ों से हटाया जाए, जो चीज़ें उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में लोग सोचना बंद कर दें। और दूसरा जो ऑपरेशन है, जब सारे विपक्षी दल अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं अभियान चलाने को, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान की एक तरह से शुरुआत कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, यानी केंद्र की मौजूदा जो पार्टी है, केंद्र में सत्ताधारी दल है, उसने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। ये जो दोनों ऑपरेशन हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं दोस्तों। जैसे जनता का ध्यान हटाएंगे सच से, उनकी परेशानियों से, आपको चुनाव में मदद मिलेगी। इसलिए ऑपरेशन डाइवर्जन जो है, यानी लोगों का ध्यान भटकाने का जो आयोजन है, जो अभियान है वो, और उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने का जो अभियान है, जैसा बंगाल में था आपको याद होगा, वैसे दोनों के बीच में अलगाव नहीं है, दोनों एक ही हैं, लेकिन अलग अलग ऑपरेशंस हैं। और 2024 के बारे में बीजेपी संघ परिवार को अच्छी तरह मालूम है कि 2024 तक पहुंचने वाला अभियान उनका 2022 से होकर गुजरेगा, यानी मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में कामयाबी नहीं मिलने पर 2024 भी उनके लिए मायूसी का वर्ष होगा, बहुत ही बुरा हाल होगा। इसलिए 2022 उनके लिए 2024 से कुछ कम नहीं है। इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है, अब आप देखिए। अभी हाल में अभियान चला, ये अभियान कहां से आकार लिया, कैसे ये मेनस्ट्रीम मीडिया में पहुंच गया, वैसे तो मेनस्ट्रीम मीडिया में दिखाया भी नहीं जाता कभी कि उत्तर प्रदेश की सरकार या मध्य प्रदेश की सरकार का कोई गड़बड़ मामला है या कहीं कोई प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कि बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट्स जहां भी हैं सब अच्छा काम कर रही हैं सिवाय विपक्ष की सरकारों के। लेकिन अचानक उत्तर प्रदेश की सरकार पर क्रिटिकल कवरेज भी दिखाई पड़ने लगा मेनस्ट्रीम मीडिया में। फिर इसके बाद शुरू हो गया योगी और मोदी के बीच क्या हो रहा है, फिर ये शुरू हुआ कि भाई लगता है अब सरकार चली जाएगी, दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनेगा, फिर नए नए प्रस्ताव कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कितने बनेंगे कितने नहीं बनेंगे, हो सकता है वो कुछ हो भी जाए। जितेंद्र प्रसाद आ गए, जो शाहजहांपुर में चुनाव नहीं जीत पाते उनको उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा बता दिया गया। हम जातियों के चेहरे पर नहीं जाएंगे, लेकिन अब उनका प्रोजेक्शन जिस तरह का है, अब आप कल्पना कीजिए क्या हाल है, इसके पीछे कहानी क्या है, क्योंकि उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में समुदाय विशेष के लोग जो उनके बहुत नज़दीकी रहे वो थोड़े से नाराज आजकल हैं, इसलिए बार बार एक जाति का चेहरा पेश करने की बार बार कोशिश की जा रही है। और दूसरा कि योगी जी महाराज दिल्ली आए, बहुत सारी बातें हुई, क्या क्या नहीं हुई, लेकिन अभी कल से एक नया चिगुफा और छूटा है। मैं नहीं जानता कि ये सोर्स क्या है, ये भी मैं नहीं जानता कि ये सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से कैसे छा गया। आखिर सोशल मीडिया में भी कोई चीज़ जब आती है, खासकर राजनीतिक इस तरह की चीज़ें, तो जो सबसे बड़ा पावर हाउस है उसके बगैर तो नहीं आती हैं। और वो क्या था, वो था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव से पहले डिवीजन भी हो सकता है, बंटवारा भी हो सकता है। 1902 से पहले उत्तर प्रदेश जो आज का है वैसा नहीं था। अवध और आगरा, इन दोनों को मिलाकर, यानी आगरा प्रेसिडेंसी और अवध का जो राज था दोनों को मिलाकर के, और 1902 से 47 के बीच में ये एक आकार, एक प्रशासनिक इकाई बरकरार रहा, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, एक ये उत्तर प्रदेश था। और 1935 में उसको फॉर्मलाइज किया गया था, जब यूनाइटेड प्रोविंस उसका नामकरण हो गया, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जिसको ब्रिटिश हुकूमत ने लाया था, तब से ये सिलसिला है। लेकिन 2000 में, सन 2000 में इसका बंटवारा हुआ, और इसका छोटा पर्वतीय जो इलाका है उत्तराखंड, पहले उन्होंने उत्तरांचल नाम रखा, वाजपेयी सरकार उस समय भी थी, उन्होंने उसको अलग किया और एक नया प्रदेश बना दिया। उत्तर प्रदेश का और बंटवारा हो तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। निजी तौर पे मैं भी मानता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य नहीं होना चाहिए, डिवीजन अगर होता है, बंटवारा होता है, ये कोई बुरी बात नहीं है।
बशर्ते कि वो समय पर हो। 5 साल 4.5 साल बीत गया इस सरकार को, 4.5 साल, लेकिन आखिर इसके पहले क्यों नहीं इस तरह के प्रस्ताव आए, ऑल ऑफ सडन क्यों आ रहे हैं, और वो भी हवा में है, कोई कागज पर नहीं है, विधानमंडल में नहीं है। कई बार इसकी चर्चा हुई मायावती जी के रिजीम में, तो उन्होंने एक एजेंडा बनाया था, अजीत सिंह हमेशा हरित प्रदेश की मांग करते रहे। तो क्या ये खेल है, क्यों नहीं खुल के बात हो रही है, डिवीजन करना है, बंटवारा करना है, साफ साफ बात होनी चाहिए। सोशल मीडिया में तो इधर से उधर से हर जगह से बातें हो रही हैं चुनाव से पहले, क्यों, क्योंकि पॉलिटिक्स ऑफ डाइवर्जन, ऑपरेशन है डाइवर्जन। किस बात का डाइवर्जन, ताकि लोगों का ध्यान कोरोना से तबाही जो हुई है, कोरोना देखिए दुनिया के अनेक देशों में आया, दुनिया का कोई देश छूटा नहीं, लेकिन ऐसी तबाही तो अगल बगल के मुल्कों में भी कहीं नहीं आई। इकॉनमी इस तरह से, आर्थिक जो व्यवस्था हमारी है ऐसी ध्वस्त कहीं नहीं हुई, सबकी इकॉनमी ढर्रे पर आ रही है, हमारी लटकी हुई है, जैसे ट्रेन की पटरी से उतर जाए सारे के सारे डिब्बे, वो हाल है। मध्य वर्ग बुरी तरह बेहाल है, उसका आकार और छोटा हो गया। आपने न्यूज क्लिक के ही वीडियो पे देखा होगा अरिंदो चक्रवर्ती के, क्या हाल है भारत के मध्य वर्ग का, और उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा और गरीब बनता जा रहा है, मध्य वर्ग की जो श्रेणी है उससे नीचे गिर रहा है। तो हमारा यह कहना है कि ये जो एक तो सबसे बड़ी बात कि कोरोना के दौरान जो स्वास्थ्य संरचना सेवा, स्वास्थ्य सेवा संरचना है, उसका कोलैप्स दिखाई पड़ा, इसके बाद वैक्सीन का जो पूरा का पूरा डिसास्टर सामने आया वो, इसके बाद जो हुआ हिंदी हार्टलाइन के कुछ प्रदेशों में मौत के आंकड़े छुपाने की सरकारों में जो एक होड़ सी लग गई, ताकि दुनिया को न पता चले कि जहां सबसे बेहतरीन राज कायम करने की बात की जा रही है वहां कैसे मौत के आंकड़े तक छुपाए जा रहे हैं। इंडियन मीडिया की क्या हैसियत, मेनस्ट्रीम मीडिया की, जो सच बोल दे, सच दिखा दे, लेकिन विदेश का मीडिया लगातार दिखाता रहा क्योंकि उस पर कोई आदेश जारी नहीं होगा। नाराज होकर किसी कार्टूनिस्ट की नौकरी नहीं चली जाएगी, किसी एडिटर की नौकरी नहीं चली जाएगी, विज्ञापन बंद नहीं हो जाएंगे। तो दुनिया के बड़े अखबारों ने बताया कि कैसे कुछ स्टेट्स इंडिया के ऐसे हैं जहां झूठे आंकड़े परोसे जा रहे हैं। इन तमाम चीजों से ध्यान हटाने के लिए जरूरी है कि चुनाव में लोग इसके बारे में ना सोचें, अपनी खोई हुई नौकरियों के बारे में ना सोचें, अपने लोगों की खोई हुई जिंदगियों के बारे में ना सोचें, और अब अपने बच्चों के भविष्य के अंधकार में होने का एक लंबा जो वक्त दिखाई दे रहा है उसके बारे में ना सोचें। लोग खो जाएं, फिर ताली थाली बजाएं, लोग मगन हो जाएं, किस बात का मगन हो जाएं, कुछ यूं ही कुछ चलता रहे तो अब क्या चले।